वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पेशल आलू कचौरी। आलू कचौरी कैसे बनेगा, आइए हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और गैस को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। अच्छे से। A few moments later. तो देखिए, यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आलू को मैश कर लिया है। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर मसाले में मिला लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे को मिक्स कर लिया है। इसको 2 मिनट तक ऐसी चलाती रहूँगी। A few moments later. तो देखिए, ये हो गया है। अब कचौरी के लिए हम आटा गूंदेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी। अब इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। A few moments later. तो देखिए, यहाँ पे हमारा सब 10 मिनट हो गए इसको रखे हुए। ये भी ठंडा हो गया आलू। अब चलिए हम आलू कचौरी बनाते हैं। तो पहले हम इसको छोटा छोटा ऐसे गोल गोल कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको गोल गोल कर लिया है। अब इसमें हल्का हल्का तेल लगा लगा के इसे ऐसे रख दूंगी साइड में। इस प्रकार हम सबको ऐसे ही बना लेंगे। तो देखिए, हमने इसको बना लिया है गोल गोल। अब हम इसको चकली पर रख के बेलेंगे। देखिए, पहले मैं चकली पर हल्का सा तेल लगा लेती हूँ। तो देखिए, इसको मैंने ऐसे गोल शेप में बेल लिया है। अब हम इसमें आलू रखेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसको आलू को अंदर डाल दिया है। हम इसी प्रकार सबको ऐसे भर लेंगे। A few moments later. तो देखिए, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया है और तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम अपनी कचौरी को फ्राई करेंगे इसके अंदर। तो देखिए, मैं यहाँ पे कचौरी डाल दी हूँ। तो
अब हम इसको धीमे धीमे आँच पे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक पक जाए। तो देखें यहाँ पे हल्का हल्का लाल हो चुका है, दोनों साइड से हमारा लाल हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। तो देखिए अब मैं इसको निकाल रही हूँ। तो देखिए हमारा ऐसे गोल गोल सूजा सूजा कचौरी बन चुका है एक। तो देखिए हम इसको भी ऐसे हल्का हल्का फ्राई कर देंगे। तो देखिए ये हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। तो देखिए ये भी हो गया है, हम इसको भी निकाल लेंगे। तो देखिए हम इसी प्रकार सबको और फ्राई कर लेंगे कचौरी को। तो देखिए यहाँ पे हमारा आलू कचौरी बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।